वैकेंसी निकला है तो सारे कुछ शेयर करेंगे। तो उन भाइयों लोग को जो लोग बता रहे थे कि जॉब चाहिए जॉब चाहिए, तो आपको कैसे क्या करना है, एबिलिटीज क्या है, इसमें क्या अप्लाई कैसे क्या करना है, क्या क्या रिक्वायर्ड है। तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। मेरा नाम है राहुल और मैं हूँ अभी थाईलैंड के खूबसूरत शहर बैंकॉक सिटी में। और आज का पर्पस है ब्लॉग बनाने का रिगार्डिंग होटल्स जॉब। एक लास्ट हम ब्लॉग बनाए थे सैलरी इन थाईलैंड, उसमें हम मेंशन किए थे होटल्स जॉब मतलब जो लोग को यहाँ मिलता है क्या सैलरी रहता है। तो उसमें एज अ बेसिक सैलरी हम डिस्कस किए थे, जो लोग यहाँ वेटर का काम करते हैं, छोटे छोटे लाइक रेस्टोरेंट जो रहते हैं इंडियंस लोग का, पंजाबी लोग का, जिनका भी छोटे छोटे रेस्टोरेंट रहता है उसमें एज अ शेफ भी बहुत जन काम करते हैं, जिनको हम देखे हैं 15 to 20,000 थाई बाट में काम करते हैं। तो एक भाई का कमेंट आया था कि डोंट गिव अ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, तो उनके लिए स्पेशली ये बना रहे हैं, सबको बता दें जो कि बिना जाने आप कमेंट ना करें, क्योंकि हम इंडिविजुअल बोले थे, हम ये नहीं कि पूरा बोले थे जिसमें कि आपका जो अगर जो होटल मैनेजमेंट करके आ रहे उनका भी सैलरी इतना ही होगा, नहीं, उनका जो सैलरी होता है वो सैलरी स्लैब डिफरेंट होता है। वही आज डिस्कस करेंगे और आज आप लोग को पूरा दिखाएंगे, लाइफ दिखाएंगे, मतलब कैसे कैसे आपको हाई प्रोफाइल जॉब के लिए अप्लाई करना है। एक वेबसाइट में हम देखे, एक फ्रेंड का मैसेज आया था मेरे को, पूछ रहे थे कि उसमें कैसे कैसे क्या करना है, तो वो वेबसाइट आज आपके सामने खोलेंगे jobdb.com, जिसमें मतलब कि पोस्टिंग होता है जॉब के लिए रिगार्डिंग। तो आज एक पोस्टिंग मेरे को दिखा, मेरे को हेड शेफ का लेकर वैकेंसी निकला है, तो सारे कुछ आज शेयर करेंगे। तो उन भाइयों लोग को जो लोग बता रहे थे कि जॉब चाहिए जॉब चाहिए, तो आपको कैसे क्या करना है, एबिलिटीज़ क्या है, इसमें क्या अप्लाई कैसे क्या करना है, क्या क्या रिक्वायर्ड है। ये सबके लिए नहीं है, हाई प्रोफाइल जिनका है, जिनके पास में अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, उनके लिए ये जॉब है। तो ये कुछ शेयर करेंगे आपके साथ में और आप लोग अप्लाई कर सकते हो इस वेबसाइट के थ्रू। वेबसाइट हम डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे देंगे और अभी आपको स्क्रीन पर हम दिखाएंगे कैसे कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या मतलब कि कंपनी का रिक्वायर्ड है आपके तरफ से। इसमें सैलरी जो है वो अच्छा खासा सैलरी है, अराउंड 50,000 थाई बाट टू 70,000 थाई बाट इसमें सैलरी रहेगा। और ये बैंकॉक में है, ये US बेस्ड कंपनी है, ये न्यूयॉर्क जो है वो US में ही है, तो वो बेस्ड वहाँ का ये कंपनी है, यहाँ पे सिचुएटेड है बहुत सालों से, 2004 में ये न्यूयॉर्क में बना था, तो उसके बाद में ये बहुत जगह ब्रांच अपना मतलब कि फैला लिया है। अभी इसको यहाँ पे बंदा रिक्वायर्ड है और जिसमें इनको बंदा चाहिए, और एक चीज़ बता दें, जैसे कि अगर आपको थाईलैंड में जॉब का रिक्वायर्ड है तो इसमें आपको मिनिमम थाई लैंग्वेज चाहिए ही चाहिए, बेसिक आपको आना ही चाहिए, क्योंकि आपको जो यहाँ के स्टाफ जो है होटल्स में जहाँ आपको जॉब मिलेगा उनके साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा आपको, तो आपको थाई थोड़ा आना चाहिए। नहीं आता है तो आप सीख लेंगे तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट मिल जाएगा जॉब के लिए, ठीक है ना। तो जो भाई बता रहे थे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, उनके लिए ये बना दे रहे, तो आपको बता दे रहे ताकि आपको समझ में आ जाएगा। तो ब्लॉग शुरू करने से पहले एक बार हम सबसे रिक्वेस्ट कर देते हैं, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। शेयर कर देंगे तो ताकि उन लोगों के पास में भी जो पहुंच जाइए ब्लॉग, जो आने के लिए यहाँ सोच रहे हैं जॉब के लिए सोच रहे हैं, थोड़ा आइडिया उनको मिल जाएगा, ठीक है। और ये देखिए, हम कोई एजेंट नहीं है, ना ही हम कोई कंसल्टेंसी है, तो जाके आपको बता रहे जॉब दे रहे, हम कोई जॉब नहीं दे रहे, हम जस्ट आपको एक आइडिया बता दे रहे हैं कि ऐसे ऐसे प्रोसीजर होता है, आप लोग किसी एजेंट के चक्कर में ना पड़े। बहुत जान अभी फंस रहे हैं, बहुत जान का मेरे पास मैसेज भी आ रहा है कि टिकट भेजा जा रहा है, ये भेजा जा रहा है, वो भेजा जा रहा है, सारा फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग को बुलाया जा रहा है, ये सारा फेक है, ट्रैप है, आपको फंसा दिया जाएगा, ठीक है। तो लीगल वे से आइए ऑनलाइन, अगर आपके पास में अच्छा खासा स्किल है, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है उस फील्ड में, और उस फील्ड का जॉब यहाँ पर रिक्वायर्ड है, वैकेंसी है, ऑनलाइन अप्लाई करके आइए, क्योंकि देखिए लक डिपेंड करता है, अगर लग आपका अच्छा रहा तो आपको जॉब मिल जाएगा। तो ऐसे कोशिश करते रहिए, ये नहीं कि कुछ दिन ट्राई किए नहीं हुआ तो छोड़ दे, नहीं, कोशिश करते रहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, ठीक है ना। तो चलिए आज का ये जो ब्लॉग है ये शुरू करते हैं। अब हम वेबसाइट पे जाते हैं, अपने फ़ोन से आपको दिखाएंगे ताकि आपको स्क्रीन पे भी दिखेगा, हम सारे आपको इस वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप पढ़ के बताएंगे क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आप जो कंपनी आपको इतना सारा पेमेंट देगा वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है, ठीक है ना। तो हम वेबसाइट में अभी पहुंच चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है ना। तो अभी आपको स्क्रीन पे स्टार्ट हो गया, ये देखिए jobsdb.com, तो हम आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे। कंपनी का जो नाम है वोल्फगैंग स्टिक हाउस, ठीक है ना, इसमें देखिए हेड शेफ का रिक्वायर्ड है,
ये थाईलैंड बेस्ड कंपनी है, इसका सारा डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, आप लोग जाकर पूरा डिटेल्स ले लीजिएगा, उसके बाद में अप्लाई कर सकिएगा। इसका डिटेल्स रिक्वायर्ड देख लीजिएगा क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट है। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है बैंकॉक लोकेशन है, शेफ जॉब, कुक जॉब, सर्विस जॉब, ट्रैवल जॉब, फुल टाइम जॉब 50,000 थाई बाट टू 70,000 थाई बाट पर मंथ आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है ना। अबाउट द कंपनी के बारे में कुछ बता दें, ओरिजिनेटिंग इन न्यूयॉर्क सिटी इन 2004, जो कि आपको बताया है, वॉल्फगैंग स्टीक हाउस इज रिन्यूड फॉर इट्स क्लासिक एम्बियंस एंड कमिटमेंट टू सर्विंग द फाइनेस्ट ड्राई एज यूएसडीए प्राइम बीफ, ठीक है। द सक्सेस ऑफ आवर न्यूयॉर्क लोकेशन हैज लीड आवर एक्सपेंशन इनटू एशिया इंक्लूडिंग जापान, कोरिया, हांगकॉन्ग, चाइना, सिंगापुर, मलेशिया, द फिलीपींस एंड इंडोनेशिया, बहुत सारे कंट्रीज में अपना ये ब्रांच फैला चुका है। वी आर थ्रिल्ड टू इंट्रोड्यूस आवर एक्सेप्शनल डाइनिंग एक्सपीरियंस टू द हार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, स्टार्टिंग विद द वाइब्रेंट सिटी ऑफ बैंकॉक। बैंकॉक में भी इसका ब्रांच है। अब आते हैं, देखिए क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस क्या क्या रिक्वायर्ड है इसको अप्लाई करने के लिए, यह ध्यान से देखिएगा। ओवर 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, जिनके पास में 10 साल से भी ऊपर एक्सपीरियंस है होटल इंडस्ट्री में, तो वो वेल एंड गुड रहेगा उनके लिए। और देखिए 5 और मोर ईयर ऑफ एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस एंड प्रोफिशिएंसी ऑफ कलिनरी मैनेजमेंट रोल विद इन अ फाइन डाइनिंग एस्टेब्लिश, 5 साल से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस आपके पास में है, वेल एंड एडुकेटेड है आप, वेल मतलब कि एक्सपीरियंस आपके पास में अच्छा है, वेल स्मार्ट है आप, रोल अच्छा खासा प्ले कर सकते हैं कंपनी के लिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो। एक्सलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स बोथ थाई एंड इंग्लिश टू लेज विद सप्लायर्स, किचन स्टाफ, फ्रंट ऑफ हाउस, टीम मेंबर्स एंड मैनेजमेंट, इंश्योरिंग स्मूथ कोऑर्डिनेशन एंड कोलाबोरेशन अक्रॉस ऑल डिपार्टमेंट्स, जो बताया आपको थाई लैंग्वेज आपको कंपल्सरी है, अच्छा आना चाहिए। हाईली प्रोफिशिएंट और इन डेलीगेट टास्क, प्रोवाइड फीडबैक एंड फॉस्टर टीम वर्क विद इन अ किचन टीम, ये देख लीजिएगा आप लोग, ये सब देख लीजिएगा। Strong organizational skills and the ability to work efficiently under pressure, prioritize tasks and meet deadlines in the fast-packed kitchen environment. आपके पास में ability होना चाहिए अपने target complete करने के लिए, जो task दिया जाए उसको अच्छे से काम आप कर पाएं, ये आप देख लीजिएगा। Through knowledge of food safety regulation and best practices to ensure compliance with health and safety standards and maintain a clean and safe kitchen environment. साफ़ सुथरा सारा कुछ, किचन का जो भी आप करेंगे साफ सुथरा, ये मैटर करता है यहाँ पे, हाइजीन मेंटेन बहुत है यहाँ पे। पैशन फॉर द रेस्टोरेंट इंडस्ट्री एंड अ डेडिकेशन टू अपहोल्डिंग वॉल्फगैंग स्टीक हाउस स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी, इंटीग्रिटी एंड गेस्ट सेटिस्फैक्शन, ये देख लीजिएगा। एक्सपीरियंस इन वर्किंग इन अ वेस्टर्न स्टाइल रेस्टोरेंट इज एडवांटेजेस विदाउट प्रायर क्रिमिनल रिकॉर्ड, ठीक है। देखिए और टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसमें क्या है जो कि आपको हम पढ़ के अभी बता रहे हैं। टीम मैनेजमेंट, प्रूवन एबिलिटी टू लीड एंड इंस्पायर अ किचन टीम, डेलीगेट टास्क एफिशिएंटली एंड मेंटेन द पॉजिटिव एंड कोलैबोरेटिव वर्क एनवायरनमेंट, ये देख लीजिए। हायरिंग एंड ट्रेनिंग, इसमें क्या होता है, हायरिंग एंड ट्रेनिंग में ना आपको जैसे कोई, आप जैसे पुराने हो गए उस कंपनी में, कोई नया बंदा आ रहा है तो उसको आपको ट्रेनिंग करना देना पड़ेगा। तो जैसे इसमें लिखा हुआ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिक्रूटिंग, हायरिंग एंड ट्रेनिंग and staff members, ensuring that new hires are probably onboarded and trained to meet Wolfgang Steakhouse quality standards. तो ये देखिएगा, quality control and consistency, a commitment to upholding the highest standard of food quality, presentation and consistency, ensuring that every dish leaving the kitchen meets that restaurant's exciting standards. तो समझ में आ ही रहा होगा, जो लोग इस लेवल के जो जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो इतने तो आपको समझना पड़ेगा हमको, ना ही कि हमको आपको इसको तोड़ तोड़ के हिंदी में समझाना पड़ेगा, जहाँ जहाँ मेरे को लग रहा वहाँ वहाँ हम समझा दे रहे, लेकिन सारा पॉसिबल नहीं है, आप तो वेल एजुकेटेड हैं। यही सब कुछ है, देख लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग, द कैपेसिटी टू थिंक इक्वली क्विकली ऑन देयर फीट, ट्रबल शूट इशू एज दे अराइज एंड इम्प्लीमेंट इफेक्टिव सॉल्यूशन टू इंश्योर स्मूथ एंड सीमलेस किचन ऑपरेशंस, ये सारा कुछ है। कॉस्ट मैनेजमेंट है, एक्सपीरियंस इन कंट्रोलिंग फूड कॉस्ट, ऑप्टिमाइजिंग इन्वेंटरी लेवल एंड मिनिमाइजिंग वेस्ट वाइल मेंटेनिंग क्वालिटी फ्रेशनेस। क्वेश्चन फ्रॉम एंटरप्रेन्योर, योर एप्लीकेशन विल इंक्लूड द फॉलोइंग क्वेश्चंस, मतलब विच ऑफ उन लोगों के पास में क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स योर राइट टू वर्क इन थाईलैंड, कौन सा आपका क्या आपके में क्वालिटी है जो कि आपको ये लोग यहाँ पे काम दे थाईलैंड में, ठीक है ना। How many years experience do you have as a chef? कितने साल का आपका experience है as a chef का, सारा कुछ आपको mention करना पड़ेगा। अब ये देखिए यहाँ पे apply to work है, red वाला जो button आपको दिख रहा होगा apply to work,
इसमें आप क्लिक करोगे, उसके बाद में सारा डिटेल्स जो आपका आएगा ना वो आपको फिल करना है। डिटेल्स फिल करने के बाद में आपको सबमिट करना है डिटेल्स। सीवी वगैरह जो जो आप बनाइएगा वो पूरा प्रोफेशनल बनाइएगा, मतलब ये नहीं कि लोकल बना के अपलोड कर दिए, नहीं, पूरा प्रोफेशनल वे में बनाइएगा। अपना ए टू जेड एक्सपीरियंस जो जो आपका है वो सारे कुछ मेंशन कीजिएगा। अच्छा खासा आपका एक्सपीरियंस हो तो ही अप्लाई कीजिएगा, नहीं तो नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो पूरा ए टू जेड प्रोफाइल अपना बना दिए, फोटोज़ वगैरह अच्छा एकदम, मतलब कि सूट बूट में लगा के टाई के साथ में फोटोज़ रहेगा आपका प्रोफाइल में अच्छा प्रोफेशनल, वो बना लिए। उसके बाद में अपलोड किए, अपलोड करने के बाद में सारे डिटेल्स आप फिल करेंगे जो जो मतलब कि इनका नीड है और आपके पास में वो क्वालिटीज़ है, तो आप अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद में सारे कुछ सबमिट करेंगे, जमा कर देंगे। उसके बाद में आपको वेट करना है, ये प्रोफाइल आपका चेक करेंगे। प्रोफाइल चेक करने के बाद में अगर इनको लगा कि या यू आर सुटेबल, यू आपका प्रोफाइल इनके नीड से मैच कर रहा है, तो आपको ये कॉल करेंगे या फिर मेल के थ्रू आपका इंटरव्यूज़ वगैरह होगा। वर्क भी ऑफर लेटर आपके पास में आएगा जिसका आपको आना पड़ेगा। यहाँ पे सारे कुछ प्रोवाइड करेंगे, होटल्स वगैरह, एकोमोडेशन सारे, जैसे जिनका सैलरी हाई रहता है उसमें इनको होटल्स वगैरह नहीं देते हैं, आपको होटल्स नहीं मिलेगा। जैसे आपका 70,000 सैलरी रहेगा बात, तो आपको होटल्स वगैरह नहीं मिलेगा, तो ये आपको खुद करना पड़ेगा। होटल्स का, खाने पीने का सारा अरेंजमेंट आपको खुद करना पड़ेगा। जिनका सैलरी लो रहता है 30,000-35,000 से स्टार्टिंग होता है, उनको यहाँ पे होटल्स प्रोवाइड करते हैं, फूडिंग वगैरह सारे कुछ यही लोग प्रोवाइड करते हैं, तो उनके लिए ये है। जिनका हाई सैलरी है उनको होटल्स नहीं मिलेगा, वो आपको खुद अरेंज करना पड़ेगा, खाने पीने का व्यवस्था आपको खुद करना पड़ेगा। तो ये प्रोसीजर है 70,000 सैलरी के लिए, 70,000 थाई बट आपको मिलेगा। होटल्स मैनेजमेंट में अच्छा खासा अच्छा आपका एक्सपीरियंस है, तो ये डिफरेंस आपको हम बता दिए क्या क्या, जो लास्ट में हम बताए थे वो किन के लिए था, और ये वाला जो अभी लाइव आपको दिखाए हैं तो किन के लिए है। तो देर किस बात की, आप लोग तुरंत अप्लाई करें इस पे, अपने सीवी बनाइए, अच्छा सा अपडेट कीजिए सीवी को और तुरंत अप्लाई कीजिए। अगर कहीं भी मेरे प्रॉब्लम हो मेरे को कमेंट कीजिए या फिर मेरे को इंस्टा में मैसेज कीजिए, आपको हेल्प जरूर कर देंगे हम। तो अगर आपका लक अच्छा रहा तो आपको ये जॉब जरूर मिलेगा, तो फटाफट तैयारी कीजिए और अप्लाई कीजिए, मेरे को बताइए ठीक है ना। और शेयर कर दीजिएगा ब्लॉग कैसा लगा आपको, यूज़फुल लगा कि नहीं मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइएगा ठीक है ना। और भी बाकी सारे ब्लॉग्स हम बना चुके हैं रिगार्डिंग जॉब को लेकर, जो कि डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मेंशन है, आप लोग वो भी ब्लॉग देख लीजिएगा। कुछ समझ में नहीं आया तो मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हैं ठीक है। तो ये कैसा लगा मेरे को कमेंट में बता दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आपसे हम मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तो आपसे अलविदा लेंगे ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोगों को पता है ना क्या, अपना ख्याल रखिए और स्टे।